जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 फरवरी और 2 फरवरी की। 1 फरवरी और 2 फरवरी से इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके पराक्रम के क्षेत्र में है, यानी कि आपके जोश और पराक्रम के घर पर रहेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, इस समय पर आप स्वस्थ रहेंगे, जोश और पराक्रम आपका बना रहेगा, शरीर के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, बहुत ही सकारात्मक भी आप बने रहेंगे, काफी पॉजिटिव रहेंगे इस समय में, कॉन्फिडेंस आपका बड़ा रहेगा और जहाँ भी जाएंगे आप अपने काम को बना पाएंगे, दूसरे को इम्प्रेस भी कर पाएंगे, आपकी डिसीजन लेने की पावर भी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। घर परिवार के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, आप उनके साथ वक्त भी गुजारेंगे, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे, बेहद ही उत्तम स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस समय आपके लिए शुभ रंग रहेगा हरा और शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं 3 फरवरी 4 फरवरी और 5 फरवरी दोपहर 2 बजे तक के समय की। यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पेट संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, परिवार में कलह और लड़ाई झगड़े से भी आप परेशान रह सकते हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, पारिवारिक कलह और लड़ाई झगड़ों से आपको बचकर रहना है, अपनी वाणी पर आप संयम जरूर बरतें, किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न ना होने दें। इस समय पर यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं तो बेहद ही सोच विचार कर आपको करना है, बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें और अपने माता पिता की सलाह आपको जरूर लेनी है। कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको इस समय पर हो सकती है, ये समय थोड़ा सावधान तो आपको रहना है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी रहेंगी, आपको धन के अच्छे लाभ रहेंगे, पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है और यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। और इस समय पर आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफेद और शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं 5 फरवरी दोपहर 2 बजे के बाद का समय 6 फरवरी और 7 फरवरी की। कैसा रहेगा ये समय आपके लिए? ये स्थिति आपके धन के स्थान के लिए काफी अच्छी स्थिति है, यहाँ पर धन की फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी लग रहा है, जिसकी वजह से घर परिवार में कुछ पारिवारिक कलह की स्थिति रह सकती है और आपके खर्चे के भाव में शनि की युति भी हो रही है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। यहां पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय आपकी पिताजी के साथ भी अनबन हो सकती है, घर परिवार में पिता के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो यहां पर ध्यान आपको रखना है, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपके और आपके पिता के बीच में खटास आए, और ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। तो स्टूडेंट के लिए ये समय थोड़ा परेशान करने वाला रहेगा, स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा, आपके मन में भटकाव की स्थिति रह सकती है, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। इस समय आपके लिए शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 1। इस पूरे सप्ताह में आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, प्रतिदिन सुबह उठकर जल चढ़ाएं तांबे के लोटे से, और जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और ये आपको 11 बार करना है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2020 पहले सप्ताह के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।